बहुत इस वक्त टेंशन हो रही है मेरा। क्या करूँगा? प्लीज जल्दी से मुझे घर पहुँचना है। हेल्प ही नहीं दे रही है। ओह माय गॉड, चलो और उनके खिताब के बाद यह धमाका इस जलसगा से बाहर हुआ है। एक गोली मोहतरमा को लगी और वो अपनी गाड़ी ही में गिर गई। हालात से बेखबर और अपनी बच्ची की बीमारी से परेशान फराज अली के फोन पर अचानक घर से कॉल आती है। हेलो, हाँ बोलो, क्या हाल है? ठीक हो? क्या बीना जी, कब? चलो ठीक है, बस यार मैं बच्ची को दिखाने आया था यहाँ पे, बस मैं जा रहा हूँ। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार वो बीना जी पे कातिलाना हमला हुआ, शहर के हालात बहुत खराब हो गए, तुम जाओ अपॉइंटमेंट कैंसिल। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपके पास गाड़ी हो तो प्लीज़ आप मुझे घर तक छोड़ दें, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ जाना है आपने? मुझे गुलशन तक जाना है। ठीक है सर, ठीक। जिस वक्त मोहतरमा को एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त समीना और ताहिरा शहर के वस्त में वाकई एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी। वो उस वक्त तक इस वाके से बेखबर थी। हेलो, हाँ मम्मा, हाँ मैंने न्यूज सुनी है अभी, हालात खराब है। हाँ बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ठीक है, बस आ रही हूँ। कराची शहर के बासी हर रोज इतना आग और खून देखकर इस कदर बेनियाज हो चुके हैं कि बम धमाके और फायरिंग के वाकयात को सियासत का शाखसाना समझकर हर रोज अपने घरों से निकल पड़ते हैं और वापसी पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज का दिन भी सलामती से गुजर गया। गाड़ी को क्या हुआ? मुझे भी पता है हंगामा हो रहा है, बाहर हालात खराब है, तो मुझ पे क्यों चिढ़ रही हो? इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तो आप चुप होके बैठो, चला रहे हैं। चुप होके बैठो, गाड़ी चला रहे थे मुझे। एक तेज गाड़ी को भी आज ही खराब हो रहा था। क्या मैंने की ये गाड़ी खराब? क्या मैंने चेक की गाड़ी खराब? समीना और ताहिरा ब्यूटी पार्लर से निकलकर जिस बस पर सवार हुई थी उस बस पर मुश्तैल अफराद ने फायरिंग करके बस को खाली करवा दिया और उसे नजर आतिश कर दिया। क्या बदमाशी मार रखी तुमने यहाँ पर? जाओ अपने काम करो, कोई डरता इसी से। सुनसान सड़क पर जो पहली टैक्सी नजर आई, समीना ने बिना अंदेशा उसे रोकने की कोशिश की। भाई साहब, हमें आप नाना मत तक छोड़ देंगे। भाई बीबी, मैंने गाड़ी बंद करनी है, हालात खराब है, किस्तों की गाड़ी है, कौन बता रहे होगा जल जला की? तो आप जितने चाहे पैसे ले लीजिएगा, लेकिन हमें आप नाना मत। अरे पैसों की बात नहीं है बीबी, भाई हम भी मजबूर है, हम भी अपनी बहनों की तरह हैं, प्लीज हमें नाना मत छोड़ दे। आप बैठे, मैं छोड़ देता हूँ आपको, बैठे। टैक्सी वाले ने सोचा
چاند سڑک کو محفوظ جان کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں چھپے ہوئے شر پسندوں نے ٹیکسی کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ جب اپنی جان بچا کر نکلا تو شر پسندوں نے اسے گولی مار دی۔ Oh my God! Oh my God! Please, please, please!